हे व्हाट इज़ अप गाइस। तो यार कैसे हो सारे? उम्मीद है भाई तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टॉपिक है गाइस, वो है होने वाला है अपने रिकॉयल पैटर्न पे। तो गाइस रिकॉयल पैटर्न किस तरीके से तुम लोगों को कंट्रोल करना है, तुम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बंदे को, प्लेयर्स को देखा होगा कि वो लोग कभी लेट के स्प्रे करते हैं, कभी क्राउच एंड पीक करके स्प्रे करते हैं। ठीक है, क्राउच एंड पीक, देन तुम लोगों ने देखा होगा कि वो क्राउच भी करेंगे और लेफ्ट साइड पिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? और कभी कभी वो लोग खड़े खड़े स्प्रे कर देते हैं, अगर मान लो दूर स्प्रे कर रहे हैं तो वो लेट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो लेट के स्प्रे करते हैं, अभी ग्लिच हो गया था 6x का। तो एक्चुअली ये होता क्या है, बेसिकली बंदे करते क्या हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं, जैसे मैं M4 लेके बता रहा हूँ, नॉर्मली सभी बंदे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर M4 यूज़ करते ही हैं, इस वजह से मैं M4 लेके बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो गाइस मुझे पता है कि तुम लोग M4 तो ज़रूर यूज़ करते होगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रिकॉयल पैटर्न की। तुम्हारा जो रिकॉयल है होता है क्या कि जैसे तुम स्प्रे करते हो तो तुम्हारा जो गन है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए तुम थंब ड्रैग करते हो या फिर जायरो से तुम अपना फ़ोन जो है वो थोड़ा सा नीचे टिल्ट करते हो। ठीक है, ये तुम्हारे अब किस तरीके का तुम जायरो प्लेयर हो या फिर नॉन जायरो प्लेयर हो वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो अपना क्राउच है, पीक है, इन सब से रिकॉयल कैसे कंट्रोल होता है। तो गाइज़ अभी अटैचमेंट मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ हाफ ग्रिप। हाफ ग्रिप बहुत ही अच्छा है, मतलब ये है। ठीक है, तुम इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रिकॉयल कंट्रोल होता है हाफ ग्रिप से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रिप्स। तो अब बात करते हैं कि रिकॉयल कैसे कंट्रोल करना है। मान लो कि अगर मुझे वहाँ स्प्रे करना है लगभग 130 मीटर पे, तो गाइज़ मैं अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर स्प्रे करूँगा तो गाइज़ मेरा जो गन है वो ज़्यादा हिलेगा। ठीक है, बुलेट भी स्प्रेड होगा और गन भी ज़्यादा हिलेगा। तो गाइज़ ये होता है खड़े होकर के स्प्रे करने में कि तुम्हारा जो बुलेट है वो ज़्यादा स्प्रेड होता है एंड कम चांसेस रहता है कि अगर तुम दूर स्प्रे कर रहे हो तो वो बंदे पे जाके लगेगा। मतलब अगर मान लो कि तुम्हारे गन में 40 बुलेट है तो 15 बुलेट या फिर 20 बुलेट हिट करेगा, 50% चांसेस रहता है कि 50% बुलेट हिट करेगा। ठीक है, तो अब बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे लेट के स्प्रे करते हैं। अब अगर वो लेट के स्प्रे करेंगे तो गाइज़ यहाँ पे जो तभी 20 बुलेट लग रहा था बंदे को, अब यहाँ पे एकदम मैक्सिमम चांसेस है कि 35 बुलेट्स एनिमी को लगेंगे। ठीक है, क्योंकि गन हिलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉयल कंट्रोल है वो पूरा रिकॉयल ज़ीरो हो जाता है। अगर तुम लेट के स्प्रे करोगे तो गाइज़ तुम्हारा जो गन का रिकॉयल है वो पूरा कम हो जाएगा, मतलब रहेगा ही नहीं, ना के बराबर का रिकॉयल रहता है। ठीक है, अब एंड बात करते हैं क्राउच करके। क्राउच करके अगर तुम करोगे तो वैसे तुम्हारा जो रिकॉयल है पहले से ज़्यादा हद तक कम होगा। ठीक है, अगर एज़ कम्पेयर टू खड़े होकर स्प्रे करोगे तो, एंड अगर फिर उसका नेक्स्ट है क्राउच एंड पिक। अभी तुम किसी भी साइड पिक कर सकते हो, लेफ्ट पिक कर सकते हो, राइट पिक कर सकते हो, तो ये तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो गाइज़ अगर तुम लेफ्ट पिक करोगे तो लेफ्ट का रिकॉयल कंट्रोल होगा, राइट पिक करोगे तो राइट का रिकॉयल कंट्रोल होगा। तो ये तुम्हारे ऊपर टोटली डिपेंड होता है कि तुम किस तरीके से रिकॉयल कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन पैटर्न है। ठीक है, खड़े होकर स्प्रे करने में थोड़ा ज़्यादा बुलेट स्प्रेड होता है, क्राउच करोगे तो थोड़ा कम बुलेट स्प्रेड होगा, पीक करोगे तो थोड़ा और कम बुलेट स्प्रेड होगा। ठीक है, रिकॉइल होगा ही नहीं, कम हो जाएगा। एंड लेट के करोगे तो गाइज़ फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर एम कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ लेट करके स्प्रे तुम भाई कहीं भी दे सकते हो। इस वजह से तुम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को देखा होगा, लाइक स्काउट हो गया या फिर कोई भी प्लेयर है, मॉर्टल जो भी है, अगर वो मान लो कि 200 मीटर पर स्प्रे कर रहा है वहाँ पर, 200 मीटर पे, ठीक है, ठीक है, 250 मीटर पे स्प्रे कर रहा है, तो गाइज़ वो लेट के स्प्रे करेगा, क्योंकि मतलब बुलेट्स तुम्हारा हिलेगा ही नहीं, बहुत ही कम हिलेगा, और जाकर डायरेक्ट वो एनिमी पे लगेगा। तो इस वजह से बंदे जो हैं वो लेट के स्प्रे करते हैं। आई होप जो तुम्हारा मतलब रिकॉयल पैटर्न पे जो भी कैसे रिकॉयल कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ सारे गन्स में काम करेगा, लाइक कोई भी गन हो, DP हो या फिर बैरल हो, जो थोड़ा सा AKM हो, AKM 6X हो, सब पे काम करेगा। अगर AKM 6X तुम ऐसे चलाओगे तो गाइस मतलब फिर तो भाई छोड़ ही दो यार, भाई सामने वाला बंदा हिल भी नहीं पाएगा, वो हाल हो जाता है। तो गाइस ये कुछ ऐसे बेसिक पैटर्न है जो तुम लोगों को पता होने चाहिए, खड़े हो करके, क्राउच हो करके, क्राउच एंड पीक, ये सारी चीज़ पैटर्न पता होनी चाहिए। बाकी तो तुम्हारे सेंसिटिविटी पर काम डिपेंड होता है, तुम्हारा सेंसिटिविटी ADS कैसा है, या फिर तुम अगर जायरो प्लेयर हो तो गाइस तुम्हारे जायरो पे कंट्रोल कैसा है, वो सारी चीज़ उस पर डिपेंड करता है। सो गाइज़ आज की वीडियो ऑन रिकॉइल,
तो गाइस कैसा लगा तुम लोग को ये वीडियो यार, मेरे को कमेंट करके बताना। एंड अगर कोई भी डाउट हो लाइक ADS वगैरह के बारे में, तुम लोग को ADS के बारे में पता ना हो तो गाइस कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर मैं चाहूँगा तो तुम लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।